हेलो चिल्ड्रन, आज देखिए हम कौन सा लेटर लिखने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये आप हो, मीन्स कोई भी हो सकता, बॉय भी और गर्ल भी। और ये आपकी मम्मा। मम्मा को क्या बोलते हैं? माँ। क्या बोलते हैं? माँ। माँ से आज हम कौन सा अक्षर पढ़ने वाले हैं? माँ। तो मैंने सबसे पहले माँ को दिखा दिया। देखो ये छोटू सा बच्चा है और ये उसकी मम्मा है। आप लोग भी मम्मा की गोद में बैठते हो ना, मस्ती करते हो ना। चलो, माँ से मम्मी, माँ से माँ, है ना। और माँ से क्या होता है? माँ से मामा, माँ से मामी, माँ से मौसी, माँ से मम्मी। फिर और देखते हैं, माँ से मछली, मक्खी, माँ से मच्छर, माँ से मकड़ी, माँ से माचिस, माँ से मूली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर बनाया है, जैसे कि माँ से माँ, माँ से माँ, माँ से मंदिर, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मस्जिद, माँ से मछली, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मछली, माँ से माँ, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मछली, माँ से मामा, माँ से मामी, माँ से मौसी, माँ से मम्मी, माँ से मक्खी, माँ से मच्छर, माँ से मकड़ी, माँ से माचिस, माँ से मूली। अब देखो माँ कैसे लिखते हैं। आप लोग ने भासे भटा लिखी है ना, है ना। भासे भटा अभी पढ़ के आए हो ना, आगे इसके पहले वाला लेटर, तो वैसे ही लिखना। बस उसमें आपने सर्कल नहीं बनाया, सर्कल बनाया तो इसमें सर्कल नहीं बनाने। देखो भासे भटा कैसे लिखे थे आपने, ये देखो ऐसा सर्कल बनाए थे ना, इसमें सर्कल नहीं बनाने, इसमें प्लेन लाइन ड्रॉ करना, सर्कल बना के फिर ऐसा करना। ये देखो कैसे लिखना है, माँ से माँ, माँ से मंदिर, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से माचिस, माँ से मूली, माँ से माँ। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, सबसे प्यारी होती है मम्मी। माँ से मम्मी, पा से पापा अपने पढ़े, दा से दादा दादी पढ़े, ना से नानी पढ़े। अब माँ से माँ, माँ से मामा, माँ से मामी, माँ से मौसी, माँ से मम्मी। ओके।